हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आज का डिवाइन संदेश क्या है आपके लिए। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। कार्ड हमारे पास आया है टेन ऑफ कप्स का। आप देख रहे हैं इस फ्रेम के अंदर एक छोटी सी फैमिली है, साथ में एनिमल्स हैं, है ना, और सभी तरह के हैं। मून है, बटरफ्लाई है, बर्ड्स हैं, फिश है, डियर है, फ्लावर्स खिले हुए हैं, ग्रीनरी है, ठीक है। मतलब फैमिली हैप्पीनेस के साथ में मदर नेचर की भी ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस दिखती है। आपको ये कहा जा रहा है कि देखिए, प्रकृति में बहुत शक्ति है, आप मदर नेचर के द्वारा अपने आप को हील कीजिए। आपकी हर समस्या का समाधान मदर नेचर के पास मौजूद है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप आयुर्वेदिक तरीके से चीजें ठीक कर सकते हैं अपने लाइफ में। आपके ब्लॉकेजेस हैं अंदर, चक्रास हील्ड नहीं है, आप मदर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए। जब आप हील होंगे तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिप्लेस कर पाएंगे पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ में। मदर नेचर ने हमेशा हर जीव की केयर की है, लेकिन बदले में आपको भी केयर करनी पड़ेगी उनकी, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि जड़ों से जुड़िए। आप जड़ों से जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीजों की वैल्यू और इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा, जो कहीं ना कहीं आप दुनिया के शोर में भूल चुके हैं। तो इन चीजों से आपको बचना चाहिए। जो चीजें शाश्वत सत्य हैं, आप देखिए पेड़ पौधों को, मौन होकर भी, भोग योनि का जीव मौन होकर भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता है, प्रेम का मार्ग नहीं छोड़ता है, वो सिर्फ देना जानता है। आप घर में एक डॉग भी पालेंगे तो हमेशा प्यार की वाइब्रेशन में रहता है, हमेशा गिवर है। तो नहीं चाहिए कि आप उसको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है बदले में? आपने उसे प्यार दे दिया तो वही सब कुछ है उसके लिए। पूरी भोग योनि का यही है सिद्धांत। एनिमल्स की, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, वेजिटेशन की बात करते हैं, तो ये भी तो गिवर है। पेड़ झुकते हैं तो हमें फल देते हैं, हमें छाव देते हैं, काटे जाते हैं तो लकड़ी भी देते हैं। मतलब नेचर इज ऑल अबाउट गिविंग, ठीक है। इसी प्रकार जो मनुष्य देने पर विश्वास रखता है, उसकी हीलिंग उसके ब्लॉकेजेस डिवाइन हील करते हैं। जो बदले में विनिमय चाहे, ठीक है, क्योंकि विनिमय मतलब प्रैक्टिकलिटी, विनिमय मतलब लॉजिक कि मुझे चाहिए। आप हर चीज को तोल कर देख रहे हैं, वहां पर आपको शांति और सुकून नहीं मिल सकता। ये डिवाइन के वाइब्रेशन में ही नहीं है, ठीक है। जब आप चीजें अनकंडीशनल तरीके से नहीं करेंगे, आपको एक घर ऐसा भी मिलेगा जो किसी से पानी का भी नहीं पूछते, ठीक है, और आप उन लोगों को जानते हैं। और एक घर ऐसा भी मिलेगा कि आप अजनबी की तरह उनके घर गए तो उन्होंने आपको हर चीज पूछी, आपका आदर सत्कार किया, आपकी मदद की। व्हाट इट शोज कि जो गिविंग एनर्जी है वही फेमिनिन एनर्जी है और वही प्रेम और मातृत्व के लिए जानी जाती है। आप क्या सोचेंगे कि यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, इसने इस बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। आपके अंदर से ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद आएगा उस व्यक्ति के लिए। लेकिन जो आपका अपना होकर भी आपके साथ बुरा बर्ताव करेगा, उसके शायद घर आप दोबारा जाना पसंद भी नहीं करेंगे, है ना। तो यही चीज है, यही चीज हमारे रियल लाइफ में भी अप्लाई होती है कि जब आप गिवर बनते हैं, प्रोवाइडर बनते हैं, तो आप डिवाइन की हाइएस्ट वाइब्रेशन को अचीव कर लेते हैं, अपने फैमिली के बीच में, संपूर्ण विश्व के बीच में, जो भी मानव घूम रहे हैं। गिविंग एनर्जी, डिवाइन को भी लोग इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि डिवाइन देते हैं, लेकिन डिवाइन के साथ भी जब आप लॉजिक से चलते हैं तो वो कुछ टाइम का सेटिस्फेक्शन रहता है। हमेशा आपका जो दिल है, जो दिमाग है, वो भटकता ही रहेगा जब तक उसे उस अनकंडीशनल वाइब्रेशन से आप नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। सो गाइज, ये थी डिवाइन की आज की गाइडेंस। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।